नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आसिया। शुरुआत करते हैं ऐसी खबर के साथ जिसे दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र समेत देश के 7 राज्यों में एक बार फिर कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में रोजाना 6000 केस आने लगे हैं। पुणे में तो रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। झारखंड के कोविड बुलेटिन के आंकड़े फिलहाल संतोषजनक हैं, मगर वो इसलिए है क्योंकि जांच की संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। 21 फरवरी को झारखंड में 14,457 टेस्ट हुए और 31 लोग पॉजिटिव पाए गए। अकेले रांची में 391 लोगों की जांच हुई जिसमें 21 पॉजिटिव पाए गए। रांची सदर अस्पताल के ACMO के मुताबिक चैन से बैठने की स्थिति नहीं है, और जब तक अभी वो नहीं स्थिति आई है तब तक हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। वही फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सबको करना है ना। और अभी भी बड़ी तादाद में कोई भी फंक्शन नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी एहतियात की जरूरत है। रांची सदर अस्पताल में दिन के 2 बजे कोविड जांच केंद्र पर जब हम पहुंचे तो वहां जांच करने वाला कोई मौजूद नहीं था। एक नर्स ने दावा किया कि 79 लोगों की जांच हुई। वहीं वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जांच में नर्स का झूठ किस तरीके से सामने ला दिया, आप खुद सुनिए। खड़े हैं लाइन टिकट काटने में भी, उसी पर्ची में भी ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काटिए नहीं रहे, बैठे हुए गप कर रहे हैं। पीछे से जो काउंटर से जा रहा उसको दे रहे हैं, सामने से काटिए नहीं रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं आएगा लोग, टेस्ट कराने नहीं आएगा तो कोरोना फैलेगा। पर्ची कटाने गए तो वहाँ पे लाइन तो है, बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन बीच बीच से बहुत कोई घुस जा रहा था। फिर वहाँ ऐसे पर्ची करवा के अभी जस्ट मैं कुछ देर, आधा घंटा पहले आई हूँ। और जैसे आए तो यहाँ पे मैडम लंच कर रही थी, पहले कोई नहीं था, उसके बाद मैडम लंच कर रही थी, वही अंकल लोग खड़े थे और अभी भी बैठी हुई हूँ। पता नहीं कब लंच इन लोगों का खत्म होगा। हो सकता है इनमें से कोई सच नहीं बोल रहा, मगर इतना तो तय है कि जांच अब पहले से काफी कम हो गई है। खुद सिविल सर्जन कहते हैं कि जांच की संख्या जल्द बढ़ाने की जरूरत है। दो चीज इसमें हम लोगों को जो ज्यादा करने की आवश्यकता है वो ये है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जरूरी टेस्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट बढ़ाने का एक फायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में आए हुए जितने लोग हैं उनका टेस्ट कराना जरूरी। लोगों के स्वास्थ्य खेलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, दावा है कि 79 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि वो कई कई घंटों से खड़े हैं, अंदर कोई कर्मचारी ही नहीं है। महाराष्ट्र समेत भारत के 7 राज्यों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट कराए जाएं और ख़ास तौर पर टेस्ट सही में कराए जाएं और उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची।